तो देखो भाई हुआ क्या है, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि भाई 2023 के लिए हमें कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, 4G लेना चाहिए या फिर 5G लेना चाहिए। और एक्चुअली मैंने उस वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि एक्चुअली 2023 के लिए हमें कौन सा मोबाइल लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारा भाई ऐसा कॉमेंट कर रहा है कि कौन सा कंपनी का मोबाइल लेना चाहिए। जैसे कि श्रुति दास मेरा एक व्यूअर्स है जिसने मुझे कॉमेंट किया है, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ कौन सा मोबाइल खरीदूँ। और एक भाई जिसने मुझे कॉमेंट किया है कि कौन सा ब्रांड का मोबाइल, कौन सा कंपनी का मोबाइल ज्यादा दिन तक चलता है। काफी सारा कमेंट आ रहा है भाई और मैं सोचा नहीं इसके बारे में एक वीडियो बनाना ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करके बताने वाला हूं कौन सा ब्रांड का मोबाइल ज्यादा दिन तक चलता है, कौन सा ब्रांड का मोबाइल आपको परचेस करना चाहिए, सब कुछ एवरीथिंग जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखो। छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो मुझे क्वेश्चन किया जा रहा है भाई, कौन सा ब्रांड का मोबाइल मुझे लेना चाहिए या फिर कौन सा कंपनी का मोबाइल मुझे लेना चाहिए, आपने क्वेश्चन किया है ना वही भाई गलत है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये क्लियर कर दिया था कि भाई ब्रांड या फिर कंपनी देख के मोबाइल मत खरीदो यार, इससे आपका ही नुकसान है। अब आपका मन में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई हम लोग कंपनी देख के नहीं खरीदे तो भाई क्या देख के हम लोग मोबाइल खरीदे। हम लोग मोबाइल खरीदेंगे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यूज करना है भाई, मोबाइल ज्यादा दिन लास्टिंग करेगा तभी तो हम लोग मतलब अपना पैसा वसूल होगा। तो यहां पर मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं वो पॉइंट को अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपका पैसा पानी में नहीं जाएगा, आप 2 4 5 साल आराम से मोबाइल को यूज कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं 2023 के लिए मोबाइल खरीदने के लिए हमें कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई मार्केट में अब 5G भी आ चुका है। तो कुछ पॉइंट जो कि आपको शायद नहीं पता होगा वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले ब्रांड या फिर कंपनी का नाम देख के मोबाइल नहीं खरीदना है। क्या देखना है आपको, मोबाइल का स्पेक्स यानी जो फीचर्स रहता है ना वो आपको देखना है भाई, पहला पॉइंट यही है। चाहे आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो कैमरा में आप देखिए भाई उसका रिव्यू देखिए, कैमरा उसका कैसा है, मतलब यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगा जो भी मोबाइल आता है नया। अगर आपको भाई गेमिंग मतलब मोबाइल चाहिए तो आप उसका गेमिंग एक्सपीरियंस देखिए, गेमिंग रिव्यू देखिए, बैटरी बैकअप चाहिए तो बैटरी भी देखो, फर्स्ट चार्जिंग चाहिए तो फर्स्ट चार्जिंग देखो, साथ में 5G चाहिए तो 5G में कितना सारा बैंड है वो भी देखो। काफी सारा भाई ये सब नहीं चेक करता है, तो ये सारे चीज भाई चेक कर लेना, चाहे आप किसी भी ब्रांड का मोबाइल यूज करने जा रहे हो या फिर खरीदने जा रहे हो तो भाई वो चीज आप चेक कर लेना, पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट क्या है भाई, सेकंड पॉइंट है यहां पर UI एक्सपीरियंस। देखिए ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि मोबाइल में भाई फीचर्स बहुत ही ज्यादा है, कैमरा भी अच्छा है, गेमिंग चिपसेट है, सब कुछ बढ़िया है, 5G भी है, लेकिन अगर UI एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा तो मोबाइल भाई लैग करेगा या फिर थोड़ा सा लेट काम करेगा या फिर थोड़ा सा हैंग करेगा, तो इसमें भाई आपका डेली लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकता है, आपको मोबाइल चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए भाई UI एक्सपीरियंस देखना मस्ट जरूरी है भाई। अब आप लोग कहोगे कि भाई किसका UI ज्यादा बेटर है, तो भाई इसके लिए आपको फिर से YouTube में आपको जाके जो रिव्यू वगैरह है UI का वो आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका UI आपको अच्छा लगता है उसका मोबाइल आप उठा लेना। इसी के साथ जो 3 नंबर पॉइंट निकल कर आता है वो भाई आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि मोबाइल जब आप खरीदते हो ना किसी किसी का मोबाइल भाई खराब भी हो जाता है बीच बीच में, कभी ना कभी खराब होता है, तो यहां पर भाई इसके बाद आफ्टर सेल सर्विस आता है। जो कंपनी आफ्टर सेल सर्विस अच्छा देता है यानी मोबाइल खराब होने के बाद हम लोग अगर सर्विस सेंटर जाते हैं तो अच्छे से रिपेयर कर देता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है या फिर अच्छे से ट्रीट करता है, ये सब चीज भाई आफ्टर सेल सर्विस में आता है, और ये भी भाई ध्यान देने वाली बात है, तो ये भी आप चेक कर लेना। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ये है भाई रीसेल वैल्यू। मान लो कि कोई मोबाइल आपने खरीदा लेकिन आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया, नहीं ये मोबाइल मुझे बेचना है, अब दूसरा मोबाइल मुझे लेना है, तो बेचोगे तो भाई उसका रीसेल वैल्यू अगर अच्छा आएगा तभी आपका फायदा होगा। अगर आप मान लो 5000 में कोई मोबाइल खरीदा और 1000 में बेच रहे हो तो 4000 तक का नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए रीसेल वैल्यू भी चेक कर लेना। जो भी ब्रांड का आप मोबाइल खरीद रहे हो वो अगर बाद में बेचोगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा आना चाहिए ताकि आपका नुकसान कम से कम हो, तो ये भी आप चेक कर लेना। अब 5 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है भाई अपडेट। देखिए जो भी कंपनी का मोबाइल खरीद रहे हो वहां पर अपडेट अच्छा आना चाहिए। देखिए अभी 5G का जमाना आ चुका है, अब मोबाइल में जब भी इशू होगा जो भी प्रॉब्लम होगा ना वो अपडेट के थ्रू कंपनी सॉल्व करता है, या फिर सिक्योरिटी अपडेट भी आना चाहिए, क्योंकि भाई अभी के टाइम में सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। हर एक चीज जो हम लोग पर्सनल मोबाइल में ही रखता है और मोबाइल का अगर सब डाटा मतलब चला जाएगा तो फिर तो भाई मुश्किल होगा। तो आप देख लेना कि कौन सा ब्रांड का मोबाइल में हमें ज्यादा से ज्यादा अपडेट दिया जाता है और ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहां पर प्राइवेसी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है। अब 6 नंबर पॉइंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भाई
प्राइस, क्योंकि जो पॉइंट वगैरह मैंने आपको बताया ये सारे पॉइंट तो भाई है, लेकिन भाई मोबाइल का प्राइस अगर बहुत ही ज्यादा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। प्राइस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, आप प्राइस भी चेक कर लेना कि मार्केट में जो फीचर्स वगैरह दे रही है कंपनी, दूसरा ब्रांड का कंपनी का मोबाइल का प्राइस कितना है उससे कंपेयर करके देखना, अगर प्राइस बिल्कुल ही सही है तो ही परचेस करना। तो यहां पर दोस्तों ब्रांड या फिर कौन सा कंपनी ज्यादा दिन लास्टिंग करता है ये मैटर नहीं करता है गाइस। फीचर्स अच्छा होगा, आप अच्छे से चलाओगे, मोबाइल हाथ से नहीं फेंकोगे तो बहुत ही ज्यादा लास्टिंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यूआई एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए, अपडेट वगैरह आना चाहिए, कोई इशू नहीं होगा गाइस। तो यहां पर यह चीज आप फॉलो करना, मुझे लगता है 2023 में यह चीज सबको ध्यान देना चाहिए। और हाँ, 4G लेना चाहिए या फिर 5G लेना चाहिए तो मैंने पिछले वीडियो में वो क्लियर कर दिया था, तो आज के इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो वीडियो आप जाके देख लेना। बाकी दोस्तों ये था मतलब कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है नहीं इसके बारे में बात किया जाना चाहिए, तो मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको मन में अभी भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझे कॉमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब मस्ट करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जय हिंद, टेक केयर।